राधे राधे। तो भाई लोगों, इस बार हमारे साथ नए मेंबर जुड़े हैं और इनका नाम है दीपक। तो हमारा ये फोर्थ ब्लॉग है और इस बार हमने अपनी दिशा बदल दी है। अब हम उत्तराखंड की तरफ ना जाके राजस्थान की तरफ जा रहे हैं। नहीं नहीं, स्कूटी से नहीं जा रहे हैं हम, आगे गाड़ी बदलने वाले हैं। बस थोड़ी दूरी के लिए हम अभी गाड़ी के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। वेलकम बैक टू आवर चैनल। और हमारी न्यू जर्नी आज स्टार्ट हो रही है। आज कहाँ जा रहे हैं? भूतों के महल भानगढ़। जल्दी जल्दी गाड़ी साफ कर रहे हैं गोला भाई। हमारे ये दो नए मेंबर जुड़े हैं इस बार हमारे साथ वीडियो में। पहले हमारे दीपक भाई, ये झांसी में जेई हैं। और भैया हमारे गोला भैया, उनका अपना गोला एंटरप्राइजेस, गोला एंटरप्राइजेस बिजनेस है। जय गणपति, गणपति बाबा मोरिया, मंगल मूर्ति हर हर महादेव। से पहले सीधा अलवर जाएंगे और अभी हम NH-58 पे चल रहे हैं। ये NH-58 है और ये सामने ट्रैक्टर जा रहा है। ट्रैक्टर आपने देखा ही। ये हम अभी मोदी नगर में हैं और मोदी नगर आप लोगों को पता ही है ना कितने फेमस है जाम के लिए। यहाँ सबसे ज्यादा ट्रैफिक जाम होता है। भाई साहब, कैसा लग रहा है आपको जाम में फंसे हुए? पर्ची मिल जाती है डायरेक्ट और जहाँ पे आप एग्जिट करोगे वहाँ तक का वो अपना टोल लग जाएगा। काट देंगे बागपत कुंडली पलवल। और ये NH-58 से हम चले ईस्टर्न पेरिफेरल की तरफ। समस्या हो गई है हमारी गाड़ी में, पेट्रोल कम है और हमें एस्टन पेरिफेरल पे आ गए हैं। अब हमें ये नहीं पता कि कोई पेट्रोल पंप मिलेगा नहीं मिलेगा। हम पेट्रोल पंप ढूंढते फिर रहे हैं। बहुत ज़्यादा टेंशन है कि पेट्रोल भराना है, पेट्रोल की कमी है। हम सोचे थे आगे बढ़ाएंगे बट ट्रैफिक इतना था कि भरा नहीं पाए। और अब यहाँ पे पेट्रोल कम है बट पेट्रोल पंप ढूंढते फिर रहे हैं, देखते हैं कब तक पेट्रोल पंप मिलता है। मूत्र विसर्जन के काम में यार, मतलब कभी भी कहीं भी आ जाता है, किसी को रोक नहीं सकते। तो भाई लोग भी जी कभी भी किसी को आ सकता है। ये तो मैप दे दियो दीपक, कहाँ पहुँचे? और हम हरियाणा में आ चुके हैं। 170 देखिए पेट्रोल एकदम खत्म हो चुका है और अब हाईवे पर है। ये तो समस्या हो गई है, पता नहीं पेट्रोल पंप कहाँ मिलेगा, अभी तक तो मिला नहीं है। यहाँ पे है पेट्रोल पंप? नहीं, पेट्रोल पंप नहीं। हम सोच रहे हैं यहाँ से एग्जिट ले लेते हैं और कहीं पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरा के फिर से एक्सप्रेस वे पे आते हैं। नहीं पेट्रोल पंप यार, मैं तेरे पहले ही कह रहा था। अब तो हमारा एग्जिट भी आने वाला होगा यार। अरे अभी नहीं आ रहे यार, 40 किलोमीटर के आसपास है। रुको जरा, 5 किलोमीटर पे जा रहा है ना एग्जिट, तो जहां ये ट्रक पर गाड़ी वाड़ी खड़ी है यही प्लान किया कि यहां से एग्जिट ले लेते हैं। देखियो मैप पे कोई वो दिखा रहा है क्या? दिखा तो रहा है यहाँ पे 1.6 किलोमीटर पर, देखता हूँ। 16 किलोमीटर, ये धोखा है भाई। टिप 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 कर रही है हमारी ये।
भाई क्यों रो रही है, पेट्रोल डलवाएंगे ना तेरे में। और पेट्रोल पंप मिल ही गया। ओके तो चले पेट्रोल पंप पर आकर अब पेट्रोल डलाने वाले हैं। फाइनली हमें एक पेट्रोल पंप मिल गया है। और ये हम फिर से अपने हाईवे की तरफ बढ़ते हुए, बैक टू हाईवे। अब कोई टेंशन नहीं है, पेट्रोल वेट्रोल एकदम फुल है, टंकी भी हमारी फुल है, तो अब कोई टेंशन नहीं है। फौजी का ढाबा है यहाँ पे अलवर के, अलवर पार करके यहाँ पे आप नाइट स्टे करेंगे हम लोग। सो अब हम यहाँ पर अलवर में आ चुके हैं और यहाँ पर हम रुकने वाले हैं फौजी का ढाबा। तो हम अब यहाँ पर अलवर में आ चुके हैं और ये हम रुके हुए हैं फौजी का ढाबा। इसका यहाँ से ये एंट्री पॉइंट है। यहाँ पे रूम भी काफी सस्ते में है, राजस्थान आओ तो देख सकते हैं फौजी राज ढाबा। और ये 599 रूम स्टार्ट है। वाओ अच्छी लोकेशन है, इधर बच्चे झूला झूल रहे हैं, बच्चों के लिए यहाँ पर गार्डन है, झूले लगे हुए हैं, अंदर रेस्टोरेंट भी है बैठने के लिए, अच्छा व्यू पॉइंट दिखा रखा है, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। This is the precious moment. ये देखिए यहाँ फौजी ढाबे के अंदर सभी लोग बैठे हुए हैं, अच्छी जगह है। डिनर करने के लिए आज हम यहाँ रुके हुए हैं, यहाँ से डिनर करके फिर हम यहाँ पर रूम लेकर रुकने वाले हैं, आज यही स्टे करेंगे। एक हम यहाँ ढूंढ रहे हैं, देखते हैं, हमें बहुत ढूंढने हैं, हमें यहाँ क्या है। ओ ये खुफिया रास्ता है, कैन वी गो देयर, लेट गेट स्टार्ट, चलो थोड़ा सा चलते हैं, थोड़ा सा दीपक भाई चलो, दीपक भाई कहाँ गए, चल सकते हैं, मैं चल रहा हूँ आगे आगे यार। और ये समुद्र की खाइयों को और गहरा करते हुए खुल